हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम फ्री फायर के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको पता है नहीं हो तो हम आपको बता दें कि फ्री फायर में एक अपडेट आ चुका है और इसमें आपको ढेर सारा फीचर्स मिलता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के सामने एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि मैं साफ से भी यहाँ पे MPL फ्री फायर और PUBG से रिलेटेड गेम का वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन में और एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर आपने अभी तक ऐप ओपन नहीं किया है तो अगर आप जैसे ही फ्री फायर ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको अपडेट कर लेना है। तो आप अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलता है फीचर्स। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ यहाँ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपडेट के दौरान 4-5 वॉलपेपर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ एकदम डिफरेंट दिख रहा है। तो हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसे अब जल्दी से अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट हो रहा है अब। तो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के सामने एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए यहाँ पे फ्री फायर MPL और PUBG गेम से रिलेटेड वीडियोज और टिप्स एंड ट्रिक लेकर आते रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं कि इसमें अपडेट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो अभी हम यहाँ पर अपडेट करने के बाद आपको गेम ओपन करके दिखाएँगे कि इसका इंटरफेस कैसा है। तो अब ऐप अपडेट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपका वॉलपेपर पूरा का पूरा चेंज दिख रहा है। यहाँ पे आपको पहले कुछ और वॉलपेपर दिखता था, मगर अब यहाँ पे चेंज हो गया है अपडेट के बाद। यह देख सकते हैं पीछे ब्लैक होल टाइप का वॉलपेपर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है। तो इसके साथ साथ बहुत मैप में और बहुत सारे जगहों पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम गेम स्टार्ट गेम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें और क्या क्या चेंजेज मिलता है देखने को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे भी बैकग्राउंड पहले कुछ और था और यहाँ पे अब कुछ और आ रहा है, तो यह भी बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो काफ़ी चीज़ इसमें चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और गेम को स्टार्ट करते हैं। और आपको इसमें बहुत सारा ऑफर्स भी मिल रहा है। अगर आप नए यूजर हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैशबैक और काफ़ी ढेर सारा ऑफर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसे गेम को स्टार्ट करते हैं। आप ऑफ़र को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा ऑफ़र आया है और यह देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का दिख रहा है। आपको पहले ऐसे नहीं देखने को मिलता था गेम स्टार्ट करने पे। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा गेम स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। बस अब 30 सेकेंड में गेम स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ये सब आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारा जैसे कि गुब्बारा और ट्रेन वगैरह का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स में काफ़ी कुछ को ऐड किया गया है। तो पहले ये सब आपको देखने को नहीं मिलता था स्टार्टिंग होने के दौरान। तो अब यहाँ पर यह सब ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अब 5 सेकेंड में गेम स्टार्ट होने वाला है। तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारा चेंजेज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको प्लेन के डिज़ाइन में भी काफ़ी कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। प्लेन को भी अपग्रेड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले प्लेन आपको कुछ और दिखता था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो काफ़ी कुछ अपडेट हुआ है और यहाँ पे ग्राफिक्स में और मैप में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा मैप को इम्प्रूव किया गया है। तो इस तरह से यह काफ़ी अच्छा हो चुका है, अब पहले से काफ़ी अच्छा है। तो हम यहाँ पर इसी गेम को खेलकर दिखाते हैं कि इसमें आपको ढेर सारा गन और काफ़ी कुछ नए नए ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गेम को स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह सब गेम स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे फटाफट से अपना बंदूक ढूंढते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ नए गन्स आए हैं और वह मिल जाएगा तो आप काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे गैटलिंग गन और उसके साथ साथ एक जूता भी मिल चुका है, जिसमें से आप उड़कर यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा जैसे ही आप जूता को पहनेंगे यूज करेंगे। तो अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और आपको यहाँ पे यूज करके दिखाते हैं। तो आपको उस वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अप और डाउन का ऑप्शन आ जाएगा।
तो आप जैसे ही उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर शू आपका काम करने लगेगा और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे और यहाँ पर अप और डाउन का दो ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले ऑप्शन में से काफ़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं, आपको जितना ऊंचा जाना है, जितने हाइट पे जाना है उतने हाइट पे जा सकते हैं और ऊपर से आसानी से मार सकते हैं किसी को भी। और नीचे डाउन वाले ऑप्शन से आप नीचे आ सकते हैं, अपने हाइट को नीचे कर सकते हैं, अपने हाइट को मिनिमाइज कर सकते हैं और इस तरह से आप कहीं भी दूर तक मार सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस गन में आपको 1200 गोली मिलता है, तो यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा गन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गोली मिलता है, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं और इसकी वजह से आप हवा में भी फायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा गन मिला है और यह जो जूता है वह भी काफ़ी अच्छा है, यह आपको काफ़ी आसानी से किसी को मारने में मदद कर सकता है। तो इस तरह से आपको इसमें इसके साथ साथ बहुत सारा न्यू फीचर्स मिला है और इसके साथ साथ ऑफ़र भी आया है। तो आप यहाँ पर अपने फ्री फायर ऐप को खोल करके वहाँ पर सारे ऑफ़र्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा ऑफ़र है। तो अब हम फाइनली एक समरी के रूप में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो न्यू कैरेक्टर यहाँ पे ऐड हुआ है मैप में और उसके साथ साथ न्यू रैंक टायर भी ऐड हुआ है। उसके बाद आरपी कैलकुलेशन ऑप्टिमाइजेशन ऐड हुआ है, फिर फोर्थ नंबर पे M79 ऐड हुआ है, एयर ड्रॉप, और उसके बाद फिर यहाँ पर एडेड टॉक्सिन जोन, मतलब आप जब गेम खेलेंगे तो वहाँ पर एक जोन आएगा जो एक डेंजरस जोन के जैसा ही ग्रीन कलर का दिखता है, टॉक्सिन जोन होता है वह भी डेंजरस जोन होता है। और उसके साथ साथ न्यू समर थीम भी इसमें ऐड हुआ है। फिर उसके बाद 7 नंबर में न्यू आइटम में, जैसे कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि गैटलिंग गन यहाँ पे ऐड हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू आइटम में एक और प्रिपेयर किट भी ऐड हुआ है। और उसके बाद एडेड हॉट जोन, यहाँ पे एक हॉट जोन भी ऐड हुआ है इस ग्राफिक्स में मैप में। और उसके बाद 10 नंबर पर आता है न्यू सेटिंग अवेलेबल फॉर कस्टम रूम्स, मतलब कस्टम रूम में भी नया नया सेटिंग आपको यहाँ पे आया है। और उसके साथ साथ है वेपन स्टैट्स एडजस्टमेंट, तो यह भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। फिर उसके बाद एडेड न्यू डिफ़िकल्टी एंड बूसेस इन डेथ, तो यहाँ पे यह फीचर भी आ गया है। और उसके बाद है ऑटो पिकअप ऑप्टिमाइजेशन, तो यह एक और नया फीचर है जो इसमें ऐड हुआ है। और उसके साथ साथ लास्ट में है यहाँ पर रिमूव्ड CG15 फ्रॉम कॉजुअल एंड रैंक्ड, तो यह भी एक नया फीचर है जो इसमें ऐड हुआ है। तो इस तरह से इस अपडेट में आपको कुल 14 नए फीचर्स और आइटम दोनों मिलाकर ऐड हुए हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के यहाँ पर MPL फ्री फायर और पबजी गेम से रिलेटेड वीडियोज़ और टिप्स एंड ट्रिक को लेकर आते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।